आया उनके दोस्तों पूरे इसके अली के अली अबू बकर और राहत उस्मान और कई लोग हैं नामा भी कुछ छोटे पूरे आगे क्या करें पूरे आधे घंटे तक घर पे पूरा पूरा बाहर टहल रही बाहर निकाल बोल के और नंगे नंगे गालियां दे रहे लोग। तो ये आज ही बहस आदाब नाज़रीन, ये भाई का नाम है मोहम्मद कलीम जो रियासत नगर के रहने वाले हैं जो संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत आता है। आज इन्हीं के घर पर इनके पड़ोसियों ने जो बरकत केटर से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने इनके घर के ऊपर हमला कर दिया, गेट तोड़कर इनके घर के सहन में तक दाखिल हो गए। उस वक्त इनके घर में सिर्फ बच्चे और औरतें ही मौजूद थी और ये मौजूद थे वहाँ पर। इस लड़ाई की वजह इतनी छोटी सी है जिसे जानने के बाद शायद आप भी हंस पड़ेंगे। इस लड़ाई की वजह सिर्फ इतनी सी है कि इनके घर की दीवार से लग कर मिट्टी के कुछ थैले रखे हुए थे जिसे इन्होंने इनके पड़ोसी से पूछकर इनके पड़ोसी के घर के दीवार से लगाकर वो थैलों को रख दिया। मगर इनके एक और पड़ोसी जो उनके बिल्कुल ही घर के करीब होते हैं उनका ये कहना था कि इन्हें ये थैलों को वहां से हटा देना चाहिए। उसे ना हटाने के ऊपर इनकी बातों में तनाजा हुआ, झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन बच्चों ने अली अबू बकर राहत और उस्मान नामी नौजवानों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। जब इन्होंने अपने घर के अंदर दाखिल हो गए तो उनके घर के ऊपर पथराव भी किया। ये तमाम वाकया सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो चुका है जिसके बाद ये पुलिस से वाबस्ता होते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। इनका ये कहना है कि अब इतनी छोटी सी बात को लेकर इन्होंने इतना बड़ा झगड़ा किया है, क्या ये झगड़ा आगे जाकर और नहीं बढ़ेगा, इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। अब ये तो इनके तरफ का बयान है जो इन्होंने दिया है। दूसरी तरफ का बयान अगर सामने आता है तो हम आपका जरूर लेकर आएंगे कि असल बात इसकी वजह क्या है, क्योंकि दोनों तरफ जब तक सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा कि किसकी गलती ज्यादा थी। तो अभी फिलवक्त तो इनका ही बयान सामने आया है, यही बयान आप पूरा एक बार जरूर सुन लीजिएगा, उसके बाद आपकी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। मैं एफएल की नमाज पढ़ के आ रहा था भाई। तो आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कलीम है, रियासत नगर में रहता हूँ। तो मैं एफएल की नमाज पढ़ के आ रहा था तो मैं घर नमाज को आते ही देखा मेरे घर के सामने पूरे मट्टी के थैले रख दिए, लाके तीन चार थैले। कौन रखे हो? वो अली बल के जी, अली जो रियासत नगर में रहते हैं घर के सामने पड़ोसी चला रहे हैं बरकत कैटरर्स उनका है, तो उन्होंने लाके कैटरिंग का करते हैं तो वो मट्टी के थैले लाके रख दिए। तो मैं घर में जाके पूछा वालदा से कि मतलब ये थैले अपन को पूछ के रखे या ना क्यों रखे, तो वालदा बोले अपने को तो नहीं मालूम। तो मैं जाके पूछा भाई यहाँ पे लाके क्यों रखे थैले, बोल तो बोले हमारी दीवार को लगे हुए थे तो तुम्हारी दीवार को लाके लगा दिए। तो उनकी दीवार के सामने और एक पड़ोसी की दीवार है, मैं उनसे परमिशन ले लिया भाई आपकी दीवार कर मैं रख लूँ क्या, पूछा मैं रख दूँ क्या थैले, बोलते उन्होंने बोले रख दो बोले। फिर उसके बाद में मैं उनको फ़ोन पर भी बात करा दिया पड़ोसी से, भाई आप बात कर लो, बोलते उन्होंने बोले आपका घर है आप जहाँ बोले वहाँ रख लो, मैं आपको पूरी इजाज़त देता हूँ बोले। तो उसके अंदर उनको वो बोलने से उनको और अंगार लग गई, भाई मेरी बात नहीं रही बोलते। उसके बाद में उन्होंने क्या करें मेरी वालदा के ऊपर बार बार उड़ के आ रहे थे, वो मेरे पास वीडियो भी है, अब बहुत हो जा रहा अब बहुत हो जा रहा बोलते बार बार वालदा के ऊपर। मैं बोला भाई तुम उत्ता उत्ता कहीं उतर रहे, तो हम दोनों ही अपन प्यार से बात कर रहे हैं, बस्ती के पुराने आदमी है ना बोलता। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करें वो जिसके पड़ोसी से मैं बात कराना, पड़ोसी से फ़ोन करके बोले अरे भाई मेरे को क्या समझ रहे हैं मेरे को ये समझ रहे हैं, बोल के गाली गलौज शुरू कर। कौन बोले वो? अली। मैं बोला भाई मैं अपन इतनी देर से बात कर रही अपन आप और जी में बात कर रहे हैं आप गाली कहीं दी है, बोल तो हावरे दिया तो आप तो तू मैं थैले हटा खान आप तू यहाँ नहीं रख सकता बोलते ना, उसमें उससे मैं आ गया उसमें हाथापाई हो गई उसके अंदर वालदा के ऊपर बार बार को उड़ के आ रहे थे, अब बहुत हो जा रहा तुम्हारा तुम लोग का बहुत हो जा रहा है, तुम्हारा ये कवर कर रहे हैं तुम्हारा वो कवर कर रहे हैं, बोलते हाथापाई भी आ गए। उसके बाद जैसा हाथापाई हुई वालदा के ऊपर भी हाथ उठा दिया आपके वालदा के ऊपर, वालदा के ऊपर कौन उठाए हाथ? अली अली मैं और अली में चल रही बात। उसके बाद में वो दुकान वाले आके हम लोग छुड़ा दिए, हमारे भौनी साहब भी थे उन्होंने भी मेरे को अंदर लेके चले गए, हम लोग पूरे अंदर चले गए। उसके बाद उन्होंने फोन करके उनके छह भाइयां भांजे इनके दोस्त पूरे आए घर पे आके पूरे अटैक करे, उसका पूरा वीडियो एविडेंस पूरा है, लात मार के गेट तोड़ दिए, खोल दिए एकदम खोल के, और एक अंदर और सब डोर सब गेट है उसके अंदर भी घुस रहे थे उन्होंने, अच्छा था वो गेट लग गई। पूरे घर में लेडीज थे और मैं अकेला और हमारे भौनी साहब दो ही जेंट्स घर में खाली, बाकी पूरे लेडीज छोटे छोटे बच्चे, और मैं घर से वर्क फ्रॉम होम काम करता हूँ, मैं ड्यूटी पे था, मैं ड्यूटी पे खाली आना जाना खाली नमाज के लिए निकला था बस थोड़ी देर के लिए, ये जबरदस्त निकाले। फिर उसके बाद हम लोग आधा घंटा अंदर घर में बंद है अंदर लगा लेके उन्होंने पूरे बाहर उनके वालिद साहब उनके अपने की तरफ से ये लड़ाई हुई या इससे पहले भी आके कभी इन लोगों से हुई कुछ भी पर्सनल ऐसा कुछ दुश्मनी? हमेशा सलाम दुआ होती थी लेकिन आज पर्सनली वो अली से ये पूरे मारा जो लगे आपको ये लगा ये पूरे अली के साथ ही छुपे से अली के साथ अली अबू बकर पूरे भाइया मिलके आ गए थे एकदम, ये पूरा स्वेलिंग आ गया पूरा, ये पूरा इधर एक मिनट भाई आप पूरा बताओ आप एक मिनट, ये पूरा हाथ में एक सेकंड अब ये पूरा लकड़ी से हमारे और वो अंगार लगी हुई थी वहाँ पे, अंगार की लकड़ी लेके मारने आने थे तो हमारे वालदा ढकल के हमारे भौनी साहब ढकल के मेरे को अंदर ले लिए। आप हॉस्पिटल को गए थे? एमएलसी कराए एमएलसी हॉस्पिटल में जाके एमएलसी करा के आया जी। पुलिस कंप्लेंट करे आप? जी हाँ पुलिस कंप्लेंट कर दिया। क्या रिस्पॉन्स मिला पुलिस वालों से? पुलिस वालों से तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पुलिस वाले जैसा वीडियो देखे वो गेट तोड़े सो
सर्कल साहब बोले कुछ बात नहीं, सीधा इन लोगों को अंदर करके रिमांड करते बोले, लेकिन उन लोगों का क्या कर रहे हैं, दूसरा केस पता नहीं कहाँ से लिंक्स लगाए, अब हमारे ऊपर काउंटर केस करने जा रहे हैं। पहले तो हमको मालूम ही नहीं कोई बंदा था, नहीं था, अंगूठा टूट गया, बोलते लगा नहीं कहाँ टूटा, हमारे को मालूम ही नहीं। आपके ऊपर ही हुआ हमला या आपके घर वालों पे किसी और को भी लगे मारा? घर के ऊपर अटैक करे, घर किसी और को भी लगे मारा आपके सिवा? हमारे सामने आपको भी लगे मारा? जितने भी छुड़ाने आ रहे थे ना सबको बीच में पड़े, तुम लोग भी है बल्कि, हालांकि मेरे को अंदर करे सो वालों को भी मारे, तुम लोग अंदर उसको कहीं करे बोलते उसको उनको भी मारे। और कौन कौन थे और कौन कौन किसको किसको मारा लगे? आने आए थे ये थे हमारे हमारे उनको भी आपको भी लगे मारा? नहीं नहीं छुड़ाने करने उतने लगे। और उसके बाद में बोल रहे कि मतलब तुम्हारे दो बेटे हैं ना, दो में से एक को मार देते बोल के। कौन बोल रहे हैं? अली बोले जी। दूसरा और यहाँ पे पीएस में बोले वो बात, वहाँ पे भी बोले पीएस में भी बोले ये बात, मार देते बोल के पीएस में भी बोले, पीएस में भी बोले, और यहाँ पे पीएस में आके भी बोल रहे हैं एक दो में से तुम मार देते हैं। कौन बोल रहे हैं ये बात? अली 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 वो फोटो सुनो, उनके पास पूरे वीडियोज भी अपने। अब आप क्या चाह रहे हैं भाई? मैं यही चाह रहा हूँ कि मतलब ये लोग क्या है, छह भाया है, अपने आप को पूरा प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हम लोग स्ट्रांग है यहाँ पे, और हमेशा अपने आप पे ये अली है ना, राहत बुल के नाम के हैं, क्योंकि घर पे पूरे पत्थर इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे घर पे। आप जो है हुकूमत से आप क्या चाह रहे हैं? बस इंसाफ होना हमारे को, ये जो रॉडी हम लोग सीधे से आते सुबह जाके शाम में ऑफिस आने वाले हैं, मैं भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं हम लोग, एजुकेटेड फैमिली से हर जना पढ़ा हुआ है हमारे पास, हम सीधा घर को जाते हैं, ऑफिस को आते हैं, घर को आते हैं अब, लेकिन इस बीच में अब ये हमारे को ये लड़ाई हो, आज भी हम ड्यूटी पे इस तरीके से होने के बाद भी आज हम ड्यूटी छोड़ के ये काम करने आए इनके पास, फिर बाद में भी अब इनके साथ हमारे को अपनी जान का धोखा है, कभी भी इन्हों क्या है गुरम गुरी करेंगे कुछ भी, अब गाड़ी लगाएंगे कुछ भी ऐसा करके निकालेंगे केस उन्होंने।